ठीक है, सो ओपेरॉन, ओपेरॉन का मीनिंग क्या होता है, चलो समझ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मीनिंग ऑफ ओपेरॉन, ग्रुप ऑफ जीन, इट्स अ ग्रुप ऑफ जीन और क्लस्टर ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन और क्लस्टर ऑफ जीन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। जीन्स का ग्रुप रहेगा, जीन्स का क्लस्टर रहेगा, एक से ज्यादा जीन्स रहेंगे जो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। शॉर्ट में ग्रुप ऑफ जीन परफॉर्मिंग सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, वो ग्रुप ऑफ जीन को हम लोग नेम देने वाले हैं, इट्स अ ओपेरॉन। ग्रुप ऑफ जीन, क्लस्टर ऑफ जीन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज द ओपेरॉन। क्या है कुछ समझ में नहीं आता है, चलो थोड़ा सा डिटेलिंग लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अगर कोई भी ओपेरॉन स्टडी करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर लैक ओपेरॉन डिटेल में है, बट अभी हम लोग लैक ओपेरॉन की बात नहीं कर रहे, हम लोग जनरल ओपेरॉन की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जीन्स रहेंगे, वो सारे के सारे जीन्स सिमिलर काइंड का फंक्शन परफॉर्म करने वाले है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज द ओपेरॉन। तो किसी भी ओपेरॉन के अंदर टू थिंग्स प्रेजेंट होता है या फिर टू टाइप का जीन्स अवेलेबल होता है। फर्स्ट वन वी कॉल इट एज अ कंट्रोलिंग एलिमेंट। ओपेरॉन के अंदर टू टाइप के जीन्स अवेलेबल होते हैं, टू टाइप का सेगमेंट अवेलेबल रहेगा। द वेरी फर्स्ट वन इट्स अ कॉल्ड एज द कंट्रोलिंग एलिमेंट एंड सेकंड वन रहेगा जो हमारा, इट्स अ स्ट्रक्चरल जीन। देयर आर टू पार्ट्स इन एनी ओपेरॉन, कोई भी ओपेरॉन स्टडी करो आप लोग, लैक ओपेरॉन स्टडी करो, कोई और ओपेरॉन स्टडी करेंगे, तो जो ग्रुप ऑफ जीन है जो एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, जो ओपेरॉन्स होता है, इसके अंदर टू मेन थिंग्स अवेलेबल होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अभी स्ट्रक्चरल जीन क्या और कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या समझ लो ठीक से। स्ट्रक्चरल जीन आप लोग को पता है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। ठीक है, हमने डीएनए स्ट्रैंड स्टडी किया था, डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड करता है, प्रमोटर। डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया जहां से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से डिटैच हो जाता है, टर्मिनेटर। तो प्रमोटर के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली क्या करेगा, कोई एमआरएनए बनाएगा, ये mRNA के थ्रू ट्रांसलेशन होगा एंड देन वी विल बी हैविंग प्रोटीन्स और एंजाइम। प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा या फिर एंजाइम फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ RNA। हम लोग ये प्रोटीन और एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। ये प्रोटीन है या फिर एंजाइम है जो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, किसने बनाया, स्ट्रक्चरल जीन ने। बात समझ लो ठीक से, स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा जो प्रोटीन बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा जो एंजाइम बनेगा, ये एंजाइम या फिर प्रोटीन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट। मतलब कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, रेगुलेट करने वाला है। ठीक है, कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्या रेगुलेट करेगा, एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चरल जीन का। अगर कंट्रोलिंग एलिमेंट डिसाइड कर ले, अगर कंट्रोलिंग एलिमेंट चाहे तो स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बन जाएगा या फिर एंजाइम बन जाएगा। अगर कंट्रोलिंग एलिमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, स्ट्रक्चरल जीन का आरएनए नहीं बनना चाहिए और बाद में फिर प्रोटीन और एंजाइम भी नहीं बनना चाहिए, कौन डिसाइड कर रहा है, कंट्रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई ओपेरॉन का वो भाग जो डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का प्रोटीन बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन का प्रोटीन नहीं बनेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है, कंट्रोलिंग एलिमेंट। समझ में आ गया, तो ओपेरॉन के अंदर दो पार्ट रहेगा, वन इज कंट्रोलिंग एलिमेंट, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, यार ये डीएनए था, डीएनए के बाद क्या कंट्रोलिंग एलिमेंट आ गया और क्या स्ट्रक्चरल जीन आ गया। मैं फिर आपको एक बार क्लियर कर दूं, कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये हमारे डीएनए के डिफरेंट रीजन्स है जिसे हम लोगों ने नेम दिया है। मतलब कंट्रोलिंग एलिमेंट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोटाइड। यहां पर भी क्या है, क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड ही है। मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन वही रहेगा यहां पर भी। स्ट्रक्चरल जीन इसके अंदर क्या है, एटीजीसी वही है, सिर्फ हमने इसको अलग अलग नेम दे दिया है। जैसे पूरा बॉडी, ओके, नोज बॉडी का पार्ट है ना, कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या है, डीएनए का पार्ट है। समझ में आ रहा है, तो हमने उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया कि भैया डीएनए का ये जो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, उसका नाम क्या, कंट्रोलिंग एलिमेंट। जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाएगा, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम बनाएगा, उसका नाम क्या, स्ट्रक्चरल जीन। समझ में आ रहा है, तो स्ट्रक्चरल जीन बोलकर कोई डिफरेंट थिंग नहीं है,
स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ही है, नाइट्रोजनस बेसिस ही है, सिर्फ हमने वो डीएनए के सेगमेंट को नेम दे दिया दैट दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए का सेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स है, नाइट्रोजनस बेसिस है, उसको हमने नेम दे दिया कंट्रोलिंग एलिमेंट। तो ईच एंड एवरी ओपेरॉन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कंट्रोलिंग एलिमेंट, सेकंड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा, बट स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब भाई हम लोग बात करते हैं कंट्रोलिंग एलिमेंट के बारे में। सो कंट्रोलिंग एलिमेंट, इसके अंदर छोटा सा अगर हम लोग इसका एक पिक्चर बना ले, ठीक है, सो ये ले लिया हम लोगों ने, दिस इज द कंप्लीट ओपेरॉन, ये हमारा कंप्लीट ओपेरॉन है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट ओपेरॉन, डीएनए है, ओके डीएनए, ये हमारा पूरा ओपेरॉन है। इसके अंदर टू पार्ट्स रहेगा, फर्स्ट सेगमेंट क्या नाम डालू, बोलो ना, अभी तो बताया इट्स अ कंट्रोलिंग एलिमेंट। ओके, तो इतना रीजन हम लोग बोलेंगे दिस इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट, ओके, एंड दिस मच दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन, ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, कंट्रोलिंग एलिमेंट के अंदर और भी डिफरेंट रीजन्स रहेंगे, छोटे छोटे जीन्स रहेगा। कंट्रोलिंग एलिमेंट ये डीएनए का पार्ट है, बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर और भी छोटे छोटे सेगमेंट्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज आई जीन, सही है, जीन्स के नेम दे रहे हम लोग, दिस इज द आई जीन। आई जीन के बाद फिर आ जाएगा दिस इज पी जीन, ओके, या फिर प्रमोटर रीजन, एंड देन ओके, लिसन केयरफुली, आई, ठीक है, देन पी, एंड लास्ट ओ। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके, नाउ हियर पी मींस प्रमोटर, ठीक है, आई का मीनिंग अपन लास्ट में लेंगे, आई का मीनिंग अपन लास्ट में लेने वाले, बिकॉज आई यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो इट्स अ प्रमोटर, प्रमोटर क्या होता है पता है आप लोगों को, डीएनए का वो पार्ट जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, आफ्टर दैट इट्स अ ऑपरेटर, ठीक है, आफ्टर दैट इट्स अ ऑपरेटर। क्लियर है, ठीक है, चलो लिख कर रख देते हम लोग, आई मीन्स दिस इट स्टैंड फॉर रिप्रेसर, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं इट्स अ, ठीक है, चलो अभी के लिए रिप्रेसर नाम देते, बाद में इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, ओके, सो आई इज रिप्रेसर जीन है, ये रिप्रेसर जीन, पी इज प्रमोटर जीन, रीजन बोलोगे तो भी चलेगा, ओ इज ऑपरेटर जीन, रीजन बोलोगे तो भी चलेगा। सो आई पी एंड ओ, दीज आर द कंट्रोलिंग एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है, क्लियर है, ओके, देन स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जीन्स का नंबर कितना भी हो सकता है, डजंट मैटर, आप कौन सा ऑपेरॉन स्टडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल जीन में जीन्स का नंबर वेरी हो सकता है, यहां पर 3 जीन्स हो सकते हैं, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, कितना भी जीन्स हो सकता है, और ये सारे स्ट्रक्चरल जीन एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, जस्ट कंसिडर कर लेते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, ये सब के सब क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, तो ग्रुप ऑफ जीन, ग्रुप ऑफ जीन परफॉर्मिंग सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज क्या बोलोगे, ओपेरॉन। ठीक है, आगे ओपेरॉन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे जीन्स एक ही कोई रिलेटेड फंक्शन, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट्स हम लोग इसको नाम दे रहे, दिस इज द ओपेरॉन। ओके, स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा या फिर एंजाइम बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए बनेगा या नहीं बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल ओपेरॉन का स्ट्रक्चर, आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है लैक ओपेरॉन, ठीक है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, लैक ओपेरॉन, तो अब हम डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द लैक ओपेरॉन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसमें भी एड करना है, लैक ओपेरॉन, ठीक है, लैक ओपेरॉन, इन लैक ओपेरॉन, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लैक का मीनिंग क्या है, लैक्टोज, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, इन लैक ओपेरॉन लैक स्टैंड फॉर, नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था लैक ओपेरॉन में लैक का मीनिंग क्या है, तो व्हाट डज लैक मीन, इट मींस लैक्टोज। ओके, ये क्या हो रहा है, चलो समझते हैं अब लैक ओपेरॉन क्या, जैकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड नाम का साइंटिस्ट है,
उन्होंने स्टडी किया कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, जीन का कंट्रोलिंग कैसे होता है, और कोई भी जीन अपने प्रोटीन या एंजाइम कब बनाता है, कैसे बनाता है। किसने स्टडी किया? जैकब एंड मोनार्ड ने। प्रोकैरियोट में भी स्टडी किया, यूकैरियोट में भी स्टडी हुआ है, ठीक है। जैकब एंड मोनार्ड ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का रेगुलेशन और जीन का एक्सप्रेशन स्टडी किया कि जीन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जीन खुद के एंजाइम और प्रोटीन कौन से कंडीशन में बनाता है, कैसे बनाता है, ये सारी चीजें स्टडी किया। किसमें? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। किसने? जैकब ने, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टडी किया जैकब नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, जैकब एंड मोनार्ड ने। ओके, प्रोकैरियोट के लिए बेस्ट एग्जांपल ईकोलाई, इसेरिचिया कोलाई में उन्होंने स्टडी किया। ओके, और कौन सा जीन को उन्हें स्टडी करना था? एक ऐसा जीन वो लोग स्टडी कर रहे, एक ऐसा ओपेरॉन स्टडी कर रहे कि वो ओपेरॉन क्या काम करता है, लैक्टोज का डाइजेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग बैक्टीरिया को खाने के लिए लैक्टोज देंगे, हम लोग बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट लैक्टोज प्रोवाइड करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट। जब हम लोगों ने बैक्टीरिया को लैक्टोज प्रोवाइड किया तो केवल उसी कंडीशन में ये ओपेरॉन फंक्शन करेगा। कब? जब आप लोग बैक्टीरिया को खाने के लिए क्या दोगे? लैक्टोज दोगे, ठीक है। हमने बैक्टीरिया को फूड मटेरियल एज अ न्यूट्रिएंट लैक्टोज प्रोवाइड किया तो बैक्टीरिया लैक्टोज का डाइजेशन कैसे करता है, बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज कैसे करता है, ये एक जीन्स या फिर ओपेरॉन डिसाइड करेगा, ठीक है। एक ओपेरॉन है, जीन्स का ग्रुप है, वो डिसाइड करेगा कि बैक्टीरिया लैक्टोज को कैसे कंज्यूम करेगा, लैक्टोज को कैसे यूज करेगा। बट कंडीशन क्या है? ये सारे के सारे जीन्स जो हमारे लैक ओपेरॉन के जीन है, ये सारे जीन्स वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे केवल एक कंडीशन में। आपको बैक्टीरिया को खाने के लिए क्या देना पड़ेगा? लैक्टोज, बराबर। अगर हमने बैक्टीरिया को खाने के लिए लैक्टोज दिया तो लैक ओपेरॉन काम करेगा। अगर हमने बैक्टीरिया को खाने के लिए लैक्टोज प्रोवाइड किया तो लैक्टोज का डाइजेशन करना पड़ेगा, और लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए क्या लगेगा? लैकोपेरॉन के जीन्स और ये जीन्स के बने हुए एंजाइम लगेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हमने बैक्टीरिया को खाने के लिए लैक्टोज नहीं दिया, क्या दे दिया उसके बदले? क्या दिया? ग्लूकोज। हमने बैक्टीरिया को फूड मटेरियल एज ए न्यूट्रिएंट ग्लूकोज प्रोवाइड किया। ओके, अगर ग्लूकोज प्रोवाइड किया तो लैक्टोज का डाइजेशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर लैक्टोज का डाइजेशन नहीं करना है तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की आवश्यकता है? नहीं है। अगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो लैकोपेरॉन काम करेगा? नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? देखो, चलो स्टार्ट करके देखते हैं थोड़ा सा। दिस इज द लैकोपेरॉन। ये हम लोग अभी लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। एंड मैंने आपको बोला ओपेरॉन के अंदर टू थिंग्स कंपल्सरीली प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज कंट्रोलिंग एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरॉन, इसमें भी दो चीजें प्रेजेंट रहेगा, वन कंट्रोलिंग एलिमेंट है और सेकेंड थिंग इज द स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलिंग एलिमेंट सारे ओपेरॉन का सेम रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम आई, आई मीन्स रिप्रेसर जीन, आफ्टर दैट पी, पी स्टैंड फॉर, एंड लास्ट वन ओ, इट्स अ ऑपरेटर, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गया किसका? कंट्रोलिंग एलिमेंट का। ओके, ये तीनों डिसाइड करेगा स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए फॉर्म होना, ये तीनों डिसाइड करेगा स्ट्रक्चरल जीन का एमआरएनए फॉर्म होना, और एमआरएनए के बाद क्या चाहिए हमें? एंजाइम चाहिए। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चरल जीन बता रहा हूं, जेड वाई ए, ठीक है। दीज आर द जीन्स, ये जीन्स के नेम है। क्या है जीन्स? जेड वाई ए, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन है, समझ लो पहले ठीक से। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन हुआ मतलब क्या बना? क्या बना? एमआरएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब एमआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होकर क्या बनेंगे? व्हाट आर दीज? एंजाइम्स। ये क्या है? एंजाइम्स है। ओके, वन टू थ्री, कितना एंजाइम बन रहा है? थ्री एंजाइम। ये तीनों एंजाइम की आवश्यकता होती है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में। ये तीनों एंजाइम मस्ट है, फॉर्म होना चाहिए, क्यों? लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, बराबर। समझ में आ गया? आपने बैक्टीरिया को खाने के लिए दिया लैक्टोज, क्या दिया? लैक्टोज दिया। अगर हमने बैक्टीरिया को फूड मटेरियल लैक्टोज प्रोवाइड किया तो आपको ये तीनों एंजाइम की आवश्यकता है या नहीं? यस, इसकी आवश्यकता है, बराबर। मतलब ये तीनों एंजाइम फॉर्म होना चाहिए। ये तीनों एंजाइम फॉर्म कब होगा?
एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बन रहा है मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ जाएगा, बराबर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कहां पर करेगा? बाइंड कहां करेगा? प्रमोटर रीजन को, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज कहां जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन पर। आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पर मूवमेंट करेगा, घूमेगा, तो क्या फॉर्म करेगा? एमआरएनए। हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एमआरएनए के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन, मतलब एंजाइम बन गया। ये तीन एंजाइम बन गया, लैक्टोज का डाइजेशन कंप्लीट। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? अगर आप लोग बैक्टीरिया को फूड मटेरियल प्रोवाइड करोगे लैक्टोज, तो हमें आवश्यकता है ये तीनों एंजाइम की। ये तीनों एंजाइम बनेंगे बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा बिकॉज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आ गया? सेकंड कंडीशन, अगर आपने बैक्टीरिया को खाने के लिए लैक्टोज नहीं दिया, ग्लूकोज प्रोवाइड किया, ठीक है, ग्लूकोज प्रोवाइड किया, तो ये तीन की आवश्यकता है क्या एंजाइम्स की? नहीं है। ये तीन क्या काम करते हैं? लैक्टोज का डाइजेशन। आपने दिया क्या लैक्टोज? नहीं। अपन क्या दे रहे हैं उसको? ग्लूकोज दे रहे। अगर ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे तो ये तीनों एंजाइम का नीड नहीं है, ठीक है। मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। दैट मींस आरएनए पॉलीमरेज यहां पर नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ गया तो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, तीनों एंजाइम बन जाएंगे, लैक्टोज का डाइजेशन हो जाएगा। आपने बैक्टीरिया को खाने के लिए लैक्टोज दिया ही नहीं ना, बैक्टीरिया को हम लोगों ने लैक्टोज दिया ही नहीं, तो डाइजेस्ट क्या करेंगे फिर? लैक्टोज दिया नहीं तो लैक्टोज डाइजेस्ट करेगा क्या बैक्टीरिया? नहीं करेगा। लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं करेगा मतलब ये तीनों एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों एंजाइम नहीं चाहिए मतलब आरएनए भी नहीं चाहिए। आरएनए कब नहीं बनेगा? जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको डायरेक्ट पूरा इसका पिक्चर ही क्लियर क्रिएट करते हैं हम लोग कि प्रोसेस क्या होने वाला है। जेड वाई जीन याद रहेगा? जेड वाई ए, ठीक है। कौन से जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है, ओके। जेड वाई ए, ये तीनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा। डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? कंट्रोलिंग एलिमेंट। इतना क्लियर है? कंट्रोलिंग एलिमेंट डिसाइड करेगा कि इनका आरएनए फॉर्म होगा या नहीं होगा। इतना क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली, this is controlling element and here it's a structural gene, ठीक है। controlling element कौन कौन से? I, P, O, ठीक है। structural genes कौन सा? Z, Y, A, ठीक है। first condition ले रहे हम लोग, condition number वन, we are providing glucose as a source of nutrient। lactose provide किया? नहीं किया, ठीक है। लैक्टोज प्रोवाइड नहीं किया। हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप लोग स्टडी क्या कर रहे हो? कौन सा ओपेरॉन? लैकोपेरॉन। मतलब ये जो आपके सामने ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है, ये ओपेरॉन का स्ट्रक्चर किसको डाइजेस्ट करेगा? लैक्टोज को, ठीक है। ये तीनों जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, इसका एंजाइम बनेगा कब? जब आपको लैक्टोज का डाइजेशन करना रहेगा तब, ओके। अभी आपने क्या दिया बैक्टीरिया को? ग्लूकोज दिया, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? लिसन केयरफुली, दिस इज द आई। आई मतलब रिप्रेसर जीन। रिप्रेसर जीन सबसे पहले अपना ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेगा और एमआरएनए फॉर्म कर देगा, ठीक है। रिप्रेसर जीन ये ऑलवेज क्या करता है? अपना एमआरएनए फॉर्म कर देगा। ये किसका आरएनए है? किसका आरएनए है? रिप्रेसर का, ठीक है। आई मतलब रिप्रेसर। ये जो आई जीन है, रिप्रेसर जीन है, ये ऑलवेज अपना एमआरएनए फॉर्म करेगा। बन गया इसका एमआरएनए। जैसे ही एमआरएनए फॉर्म होगा, इमीडिएटली आफ्टर एमआरएनए, ये खुद का एक प्रोटीन या एंजाइम भी बना देता है, ठीक है। इसने क्या किया? खुद का प्रोटीन फॉर्म कर दिया। किसने? आई जीन, ठीक है। आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसने एमआरएनए बनाया। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन उसने क्या किया? खुद का प्रोटीन फॉर्म कर दिया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रमोटर रीजन। क्या है प्रमोटर रीजन? और आप लोगों को पता है प्रमोटर रीजन पर जाकर बाइंड करता है कौन? ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। ये आ गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड एट द प्रमोटर रीजन। हो गया बाइंड जाकर, बराबर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद कहां जाएगा?
ऑपरेटर पर, ऑपरेटर के बाद कहां जाएगा स्ट्रक्चरल जीन पर। अगर आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के पास गया, अगर आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के पास गया तो क्या करेगा, इसका आरएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए बन गया, उसके बाद क्या होगा, एंजाइम बनेंगे। वो एंजाइम क्या काम करेगा, लैक्टोज का डाइजेशन। आपने दिया कि लैक्टोज नहीं दिया, बराबर, मतलब आपको एंजाइम चाहिए कि अभी नहीं चाहिए। एंजाइम नहीं चाहिए मतलब आपको इसका स्ट्रक्चरल जीन का आरएनए चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आना चाहिए, नहीं। आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर रीजन पर एंड स्ट्रक्चरल रीजन पर आने से रोकेगा कौन, यह आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की टेंडेंसी होती है, इसकी एक हैबिट है कि जैसे ये प्रोटीन बनता है, जैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये इमीडिएटली भाग कर जाता है किसके पास, ऑपरेटर के पास, इमीडिएटली चला जाएगा ये ऑपरेटर के पास। ठीक है, और ऑपरेटर को जाके क्या कर दिया इसने, ब्लॉक कर दिया, ऑपरेटर के साथ में अटैच हो गया कौन, प्रोटीन। ठीक है, किसका प्रोटीन है, रिप्रेसर का। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन। इट्स अ रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, रिप्रेसर प्रोटीन पहले बन गया था, बराबर। रिप्रेसर प्रोटीन की एक आदत है, टेंडेंसी हैबिट है कि वो जैसे ही फॉर्म होता है इमीडिएटली कहां जाके बैठ जाएगा, ऑपरेटर पर जाकर बाइंड हो जाएगा, बैठ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कहां पर आया, प्रमोटर के पास। नाउ आरएनए पॉलीमरेज ट्राई करेगा, मूव करना है उसको, कहां पर मूव करना है, कहां जाना है, ऑपरेटर के पास। क्या आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ बाइंड हो सकता है, नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज ऑपरेटर इज ऑलरेडी ब्लॉक, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ ही नहीं सकता। अगर आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के पास नहीं आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर जीन के पास भी नहीं जाएगा, वो यहां से जंप करके नहीं जा सकता है, बराबर, उसको जंपिंग नहीं आती है, वो जंप करके नहीं जाएगा, उसको पहले ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेटर के बाद में फिर स्ट्रक्चरल जीन के पास जाएगा, बीच में ऑपरेटर क्या है, ब्लॉक है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आगे मूव नहीं कर सकता। अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा तो बताओ मुझे ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, नो, नो ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो वो तीन एंजाइम बनेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको एंजाइम का काम था क्या, नहीं, बिकॉज हमने क्या दिया बैक्टीरिया को, ग्लूकोज दिया। समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है, तीन एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जीन एक्सप्रेस हुआ क्या, किसने कंट्रोल किया, कंट्रोलिंग एलिमेंट ने। समझ में आ रही है बात, आपका हेडिंग ही है जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। ओके, तो ये जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, इन्होंने अपने एंजाइम नहीं बनाए, मतलब स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, किसने डिसाइड किया भैया, कंट्रोलिंग एलिमेंट ने। कैसे डिसाइड किया, बिकॉज बैक्टीरिया को हमने फूड क्या दिया था, ग्लूकोज दिया था। ठीक है, बैक्टीरिया को हमने खाने के लिए क्या दिया है, ग्लूकोज दिया। अगर लैक्टोज दोगे तो आपको तीनों एंजाइम चाहिए, अभी आपने क्या दिया, ग्लूकोज दिया। दैट्स व्हाई जो आपका रिप्रेसर जीन था उसने अपना ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया, इमीडिएटली खुद का प्रोटीन बना दिया। और ये रिप्रेसर प्रोटीन का टेंडेंसी है, इसका हैबिट है कि इमीडिएटली जब भी बनेगा, जैसे ही फॉर्म होगा, कहां चला जाएगा, ऑपरेटर के पास। ठीक है, ऑपरेटर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, नाउ आरएनए पॉलीमरेज आया, आगे कहां बाइंड किया, प्रमोटर पर। आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज प्रमोटर पर ही बाइंड करता है, याद है ना आपको, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड एट द प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज ट्राई कर रहे हैं कहां जाना है, जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज ऑपरेटर इज ब्लॉक। ठीक है, अगर ऑपरेटर ब्लॉक है तो स्ट्रक्चरल जीन के पास में आरएनए पॉलीमरेज नहीं जाएगा, अगर नहीं गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई, जीन एक्सप्रेशन हुआ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज कंट्रोल कर दिया किसने, कंट्रोलिंग एलिमेंट ने। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। नाउ सेकंड कंडीशन लेंगे, सेम कंडीशन, सेम पिक्चर रहेगा, कंडीशन चेंज कर देना है। अब क्या देंगे खाने के लिए, लैक्टोज। ओके, नाउ कंडीशन नंबर टू, अब हम लोगों ने कार्बन का सोर्स या फिर एनर्जी का सोर्स बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया है, लैक्टोज। ओके, लैक्टोज खाने के लिए दे रहे, मतलब लैक्टोज का क्या करना है, बैक्टीरिया को डाइजेशन करना है। लैक्टोज का डाइजेशन करना है तो तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन होना चाहिए, बराबर। चलो देखते हैं, व्हाट इज दिस, कंट्रोलिंग एलिमेंट। ओके, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन।
First one, I, then promoter, then operator, and here Y A. Sequence में ध्यान रखना, Z Y A. Okay. Now we are providing lactose. Okay. As usual, जो हमारा repressor gene है वो क्या करेगा, क्या करेगा, mRNA form करेगा, ठीक है, then protein बना देगा. Protein कौन सा, repressor protein. ठीक है, इसने क्या किया, repressor protein का formation कर दिया. ठीक है, repressor protein का tendency क्या होता है, it goes and block the operator. ठीक है, अब देखो, अगर ये repressor protein operator के पास चला गया, repressor protein अगर operator के पास चला गया, तो क्या ये transcription होगा, translation होगा, enzyme बनेंगे, अगर enzyme नहीं बना तो lactose का digestion होगा, नहीं, मतलब now in this case, जब हम लोग lactose provide कर रहे, तो operator should be free, operator should be free, unblock रहना चाहिए, operator अब free रहना चाहिए. ठीक है, प्रोटीन तो बन के रेडी हो गया, ये प्रोटीन की मानसिकता है, इसकी टेंडेंसी है, क्या करता है, जैसे ही बनेगा छुट्टा कहां भागेगा, कहां जाएगा, ऑपरेटर के पास. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये रिप्रेसर प्रोटीन और ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन ने ऑपरेटर के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब इस रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, अपने को इंगेज करके रखना पड़ेगा. बैक्टीरिया के बॉडी में ये रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, बैक्टीरिया इंगेज कर देगा. क्यों इंगेज करेगा, बिकॉज को क्या डाइजेस्ट करना है, लैक्टोज. अब लैक्टोज डाइजेस्ट होगा कब, जब ऑपरेटर फ्री रहेगा, बराबर. ठीक है, तो ये रिप्रेसर को इंगेज करने का काम करता है इटसेल्फ लैक्टोज. कौन करता है, लैक्टोज. थोड़ी सी मात्रा में लैक्टोज ऑलवेज बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो जो थोड़ा सा लैक्टोज बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, जाकर के अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, किसको, किसके साथ में बाइंडिंग कर लिया, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ. ठीक है, लैक्टोज जाकर के अटैच हो गया, लैक्टोज जाकर के बाइंड हो गया, लैक्टोज ने पकड़ के रख लिया, किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन हो गया इंगेज. ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया, इंगेज. इसका काम क्या था, ऑपरेटर को ब्लॉक करना. ठीक है, ये लग गया दूसरे काम में, जैसे आप लोग, अपना काम क्या है, पढ़ाई करने का. ओके, अपन लग गए मोबाइल में, बराबर, अपना मेन काम है पढ़ाई करने का, और अपन लग गए कुछ और काम के अंदर. सेम थिंग, आपको पढ़ाई करना चाहिए, रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर पर जाना चाहिए, लेकिन इसको इंगेज कर दिया किसी और ने. अब रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, हाय हाउ आर यू, रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना बॉस, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन है. ठीक है, इसको इंगेज करने के लिए कौन आ गया, लैक्टोज. ध्यान भटका दिया रिप्रेसर प्रोटीन का, जाना था वहां पर, लग गया लैक्टोज के साथ में वादा करते हुए. ठीक है, उतनी देर में आरएनए पॉलीमरेज आएगा, कहां के बैठेगा, प्रमोटर पर. ठीक है, कहां जाएगा, ऑपरेटर पर. कहां जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन के पास. क्या कर देगा, बन गया एमआरएनए. ठीक है, हो गया इसका काम, है ना, इंगेज कर दिया ना रिप्रेसर प्रोटीन को, आरएनए बन के रेडी, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, तीन एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, और ये तीनों एंजाइम तो हमको चाहिए थे, काय के लिए, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, बैक्टीरिया लैक्टोज का डाइजेशन कर लेगा. इज दैट क्लियर, समझ में आ गया. ठीक है, तो ये जो थ्री एंजाइम्स है इनका नेम होता है जेड जीन का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक है, दिस इज परमीएज एंड दिस इज ट्रांस एसिटिलेज. ये क्वेश्चन था जो कल मैं आप लोगों को बता रहा था ना, 10 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें ये एक था, मैच द कॉलम लास्ट वाला, जेड वाई ए, जेड जीन प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई जीन प्रोड्यूसेस परमीज, एंड ए जीन प्रोड्यूसेस ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम. ये तीनों एंजाइम का नीड होता है, आवश्यकता होती है लैक्टोज के डाइजेशन करने के लिए. तो जैसे बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के बॉडी में ये तीन एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा, ढेर सारा लैक्टोज बॉडी में इंटर करेगा बैक्टीरिया के, बाद में फिर उसका डाइजेशन भी हो जाएगा और बैक्टीरिया को ढेर सारा एनर्जी भी मिल जाएगा. इज दैट क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया. अब देखो, इन दिस केस, जो हमारा ये लास्ट सेकंड वाली केस है, जब हमने फूड मटेरियल या फिर न्यूट्रिएंट का सोर्स लैक्टोज प्रोवाइड किया, ठीक है, लैक्टोज प्रोवाइड किया, सिर्फ एक बात का आंसर करो, ये तीनों एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तीनों एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, तीन एंजाइम का फॉर्मेशन एक्चुअली किसके कारण हुआ, वेरी गुड, किसके कारण हो रहा है, आई जीन. ठीक है, आई जीन कैसा, प्रोटीन आगे नहीं गया, मतलब प्रोटीन को किसी ने रोका है ना, फिर उसके कारण हो रहा है ना, फिर बराबर, प्रोटीन को किसने रोका,
लैक्टोज ने, ठीक है, लैक्टोज ने रोका है, इसलिए हम लोग लैक्टोज को, इन दिस केस लैक्टोज को क्या बोलेंगे, इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब ब्रिंग आउट, ठीक है, जो ब्रिंग्स आउट, जो कोई काम घड़ून आनारा, ठीक है। ये तीन एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ किसके कारण हो रहा है, लैक्टोज के कारण, दैट्स व्हाई लैक्टोज इज कॉल्ड एज इंड्यूसर। क्लियर हो गया, लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर। ओके, आप लोग जो आई जीन है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, हियर आई जीन स्टैंड फॉर, आई जीन का मतलब इंड्यूसर जीन नहीं है, ठीक है, आई जीन मतलब इंड्यूसर जीन नहीं है। तो ये पूरे केस में इंड्यूसर कौन है, एक्चुअली लैक्टोज, मतलब लैक्टोज का डाइजेशन किसके कारण हो रहा है, लैक्टोज के कारण। समझ में आ रही है बात, बैक्टीरिया की बॉडी में थोड़ा सा लैक्टोज ऑलवेज प्रेजेंट होता है, वो जो थोड़ा सा लैक्टोज बैक्टीरिया की बॉडी में है ना, इट विल वर्क एज अ इंड्यूसर, ठीक है, वो रिप्रेसर प्रोटीन को इंगेज कर देगा, उसके साथ में बाइंडिंग कर लेगा, सो दैट रिप्रेसर प्रोटीन विल नॉट मूव टुवर्ड द ऑपरेटर, एंड इन दिस केस ऑपरेटर विल रिमेन फ्री। ऑपरेटर कैसे रहेगा, फ्री रहेगा। अगर ऑपरेटर फ्री है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से ऑपरेटर के पास जाएगा, ऑपरेटर से स्ट्रक्चरल जीन के पास जाएगा, देयर विल बी अ ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल बी अ ट्रांसलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द लैक्टोज डाइजेशन।